इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि अपने आप को कारोबार के लिए कैसे तैयार किया जाए। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल उन्होंने मेरे से पूछे हैं जो मैं समझता हूं हर एक शख्स जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसके जहन में होते हैं। तो वो 10 सवाल क्या हैं, आज मैं उन पे आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। और जब मैं वो एक्सप्लेन कर लूंगा आपको वो 10 पॉइंट, तो आपको लगेगा कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन में हैं जिसकी वजह से अभी तक आप अपना कारोबार शुरू नहीं कर सके वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं वो 10 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब आप ये फैसला कर लें कि आपने अपना कारोबार करना है तो आपके पास एक महीने का टाइम है, यानी 4 हफ्तों का टाइम है कि आपने अपने कारोबार को स्टार्ट करना है। अब सवाल ये भी जहन में उठता है कि ये 4 हफ्तों का टाइम कैसे डिसाइड हुआ, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई बहुत सारे हज़ारों स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन के साथ, और उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपके पास इतना शानदार आइडिया था, आपके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज थे, तो क्या वजह है कि आप अपना कारोबार शुरू नहीं कर सके अभी तक और वो आइडिया स्टेज के ऊपर ही ख़त्म हो गया। तो सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि वो सही वक्त पर अपना कारोबार शुरू नहीं कर सके। और अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपना एक टाइम तय नहीं करते कि हमने शुरू कब करना है। तो याद रखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने 4 हफ्तों में, 1 महीने में अपना कारोबार शुरू करना है। ये हो गई नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं या बन सकती हैं, तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको इससे मुतालिक बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी पर्सनैलिटी को सबसे बेहतर अंदाज में, अपनी पसंद या नापसंद को सबसे बेहतर अंदाज में आप खुद जानते हैं। आप अपने आप को इवेल्यूएट कीजिए और देखिए कि क्या आपको नई चीज़ें करने का शौक़ है, क्या आप रिस्क लेना पसंद करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी पसंदीदा तफरीही मकाम पे जाना चाहते हैं और आपको ये पता चले कि वहाँ पर रास्ता बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि रस्ते में बहुत सारी परेशानी है, तो क्या आप हमेशा आपकी कोशिश होती है कि नहीं मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा क्या ख़तरा है, किस तरह से है, और आप कोशिश करते हैं कि आप उस अपनी फेवरेट जगह तक पहुंच सकें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग जिनका सामना करते हैं उनसे आपको पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितनी मुश्किल सिचुएशंस को फेस करने की आपके अंदर हिम्मत है। तो बिज़नेस के अंदर भी आपको कई दफ़ा रिस्क लेना पड़ता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि आप जिस रस्ते की तरफ जा रहे हैं उसकी मंजिल कहाँ है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले हैं और आपके अंदर ये पैशन है तो ये एक इंडिकेटर है कि आप अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर दूसरी चीज़ ये है कि आप चीज़ों को नए तरीके से करना चाहते हैं। यानी अगर एक काम है ऐसा जो दूसरे लोग एक सर्टन तरीके से करते हैं या उसको उसी तरह से बार बार करते जा रहे हैं, लेकिन आप एक किसी काम को मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर चीज़ों को नए तरीके से करने का एक फैक्टर या एक एलिमेंट मौजूद है जिसको हम लोग इनोवेशन भी कहते हैं। उसके अलावा आपको ये देखना है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपना कारोबार शुरू करते हैं तो शुरू में जाहिर है आप अकेले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ लोग शामिल होते जाएंगे, और उन लोगों में आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे जिनको मुलाजिम कहा जाता है, या ऐसे लोग जो आपके लिए कुछ काम करते हैं, ऐसे लोग भी होंगे जिनको पार्टनर्स कहा जाता है, जो आपको शायद कोई ना कोई मदद कर रहे हों अपना बिजनेस चलाने के अंदर। आपको ऐसे लोगों से बात भी करनी पड़ेगी जिनसे आपने अपने बिजनेस के लिए पैसा लेना है या फाइनेंस लेना है। तो आपको ये देखना है कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा बात कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ये सारी एक कुछ सादी सी इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि आप कितना अच्छा कारोबार कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं,
कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आपके अंदर पूरी तरह से मौजूद हों तो ही आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप हमेशा सीख सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही रहेगी जो मैंने सबसे पहले बताई कि आपको शुरू करना है एक महीने के अंदर, क्योंकि एक्शन लेना और अपने कारोबार को शुरू करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सारी 10 बातों के अंदर। जो तीसरी बात है इन सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट, वो एक और सवाल है कि कई लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं नौकरी के साथ कारोबार कर सकता हूँ, तो इसका जवाब, मुख्तसर जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि जब आप कारोबार शुरू करें और आप ऑलरेडी किसी नौकरी के ऊपर हैं तो अपनी नौकरी के साथ ही कारोबार को शुरू कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी नौकरी को बिल्कुल छोड़कर और फिर आप कारोबार शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। यानी नौकरी के साथ काम कारोबार करने का फ़ायदा ये है कि आपकी एक जो तनख्वाह है, जो इनकम है, वो परमानेंटली आपको मंथली मिल रही होती है और आप थोड़ा सा ज़रा कम्फर्टेबल रहते हैं शुरू में। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ शाम को कुछ वक्त निकाल कर और वीकेंड्स के ऊपर वक्त निकाल कर अपने कारोबार को टाइम देना शुरू करें, और जैसे ही आप देखें कि कारोबार आपका चल पड़ा है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे नौकरी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि अगर वो नौकरी में एक सर्टन तनख्वाह ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000, 50,000 या 60,000, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जब तक कारोबार से उनको इतने पैसे ना मिलें वो नौकरी नहीं छोड़ते। याद रखिएगा ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है जब आपको ये लगे और एतमाद आ जाए कि आपका कारोबार चल पड़ा है तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। वो पैसे मैच करने के चक्कर में आप कभी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अगली बात है, चौथी बात है, इसमें वो स्टूडेंट्स के लिए है, और वो सवाल ये होता है कि अब मैं पढ़ाई के साथ बिजनेस कर सकता हूँ, तो मेरा जवाब है हाँ। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटर और ग्रेजुएशन और उससे आगे जो पढ़ रहे हैं हमारे भाई और बहनें, उनको अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनने की बजाय उनका सहारा बनना चाहिए। और कारोबार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई बहुत बड़ा लाखों और करोड़ों की बात करें, आप कोई छोटी सी चीज़ ज़रूर शुरू करें अपनी पढ़ाई के साथ। इससे फ़ायदा होगा आपको अपनी पढ़ाई के अंदर भी और आपने खर्चे उठाने में भी, सिर्फ अपने खर्चे उठाने तक। तो पढ़ाई के साथ मैं समझता हूँ कि कारोबार करना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे आप अपने माँ बाप को भी थोड़ा सा सुकून में लाएंगे, आप अपना खर्चा भी उठा सकेंगे और आपकी ट्रेनिंग होना शुरू हो जाएगी, ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगी उस वक्त तक जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। और ग्रेजुएशन वाले जो मेरे भाई और बहनें हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि समर इंटर्नशिप्स जो हैं वो मैंडेटरी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर और सब कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में भी एजुकेशनल सिस्टम में ये चीज़ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिससे आप कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे भी बना सकें। जो पांचवी बात है वो सवाल मेरे से ज़्यादातर लड़कियों ने किया, और वो सवाल ये था कि हम अपने कल्चरल नॉर्म्स की वजह से या कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम अपने घर से नहीं निकल सकती, तो क्या हम कारोबार कर सकती हैं। याद रखिए आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल्स हर एक के पास हैं, अच्छा इंटरनेट हर एक के पास है, कारोबार करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ घर में बैठकर ही आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी सारे जो काम हैं जैसे लोगों से बात करना, मार्केटिंग करना, अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अपना पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये सारे काम अब इंटरनेट के थ्रू हो रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा मौका आता है जब आपको घर से बाहर निकल के कहीं जाना पड़ता है, और जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपको अगर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है तो अपने कारोबार को घर से ही शुरू कीजिए, और जब आप उसमें तरक्की पाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके भाई, आपके वालिद, आपकी वालदा, आपकी बहनें, आपके खावन, जो लोग भी आपकी फैमिली में, वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो सिर्फ इस वजह से इस चीज़ को छोड़िए ना। उसके बाद जो बात मैं आपसे करूँगा वो इसी बात से रिलेटेड है कि घर वाले नहीं मानते। घर वाले क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने खुद भी, ज़्यादातर घर वालों ने कभी इतना रिस्क लिया नहीं होता ज़िंदगी में, तो वो ये समझते हैं कि
पहले इंटर कर लो, पहले मैट्रिक कर लो, फिर इंटर कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो और फिर उसके बाद नौकरी देखना, अभी कहाँ कारोबार करोगे, अभी तो तुम नुकसान ही करोगे। तो ज़्यादातर हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से भी जब आप बात करते हैं तो वो आपको ऐसा ही फीडबैक देंगे, और ये एक वैलिड ओपिनियन होता है पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको आप एतमाद दीजिए और उनको ये बताइए कि ये आपका शौक है, अगर ये आपका शौक है तो। और जैसे जैसे आप इसमें तरक्की करेंगे और कुछ पैसे अपने लिए, उनके लिए नहीं, कमाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो अपने घर वालों को एतमाद में लीजिए, उसको शुरू कीजिए और फिर थोड़ी थोड़ी उनसे मदद लेना शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो अगला पॉइंट है इसमें वो ये है कि आइडियल हालात का इंतज़ार करना। बहुत सारे लोग कारोबार इसलिए शुरू नहीं करते कि वो कहते हैं कि जब ये हो जाएगा तो मैं कारोबार शुरू करूंगा, जब मेरे पास इतने लाख इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कारोबार शुरू करूंगा, जब मेरा ये दोस्त मेरे साथ शामिल हो जाएगा कारोबार में तो मैं फिर कारोबार शुरू करूंगा, जब मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा तो फिर मैं कारोबार शुरू करूंगा, जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कारोबार शुरू करूंगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या मेरे पास एक बहुत अच्छा सा शानदार सा ऑफिस होगा तो मैं कारोबार शुरू करूंगा। तो ये वो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं या आइडियल वर्ल्ड है जो हमने अपने जहन में बनाया होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं कारोबार शुरू करूंगा। तो याद रखिए कि वो टाइम कभी भी नहीं आएगा। आपको इन्हीं हालात में इन्हीं रिसोर्सेज के साथ अपने कारोबार को शुरू करना है, और ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल काम है, कारोबार को शुरू करना एक मुश्किल काम है, और आपके पास हमेशा जो उसके रिसोर्सेज हैं या वसाइल हैं वो हमेशा कम होंगे। तो याद रखिए कि अपने कारोबार को शुरू करने के लिए आइडियल वक्त का इंतज़ार ना करें, आइडियल वक्त आज है। अगली बात यह है कि मेरे पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये मैंने जो अभी पहले बात की उसी से रिलेटेड है। लेकिन पैसा ना होने की वजह से कारोबार शुरू ना करना भी एक कंस्ट्रेंट है, और कई जगहों के ऊपर ये बात वैलिड भी होती है कि अगर आपके पास बिल्कुल कोई सरमाया नहीं है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, तो शायद वाकई आप कारोबार शुरू ना कर सकें। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कारोबार के लिए पैसे का अरेंज कर सकते हैं, और उसके अंदर बैंक्स हैं, उसके अलावा जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स हैं या बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जो आपको कारोबार करने के लिए पैसे देते हैं, और उनका बड़ी तफसील के साथ मैं अगली वीडियोस में ज़िक्र भी करूंगा। तो इसलिए इस बात पे परेशान ना होइए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कारोबार शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप अपने कारोबार के ज़रिए ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो इतनी अच्छी और इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि उसकी कोई ना कोई मार्केट में डिमांड हो और वो बिक सके और आपके लिए मुनाफा क्रिएट कर सके। जो 9th पॉइंट है वो ये है, और ये भी मैंने अमूमन देखा है कि कारोबार शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट में लग जाते हैं, यानी वो चाहेंगे कि हमारा खूबसूरत सा फेसबुक का पेज बन जाए, हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी तरीके से बन जाए, हमारा खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाए, हमारे बड़े अच्छे से विजिटिंग कार्ड्स बन जाएं, हमारा बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा दफ्तर बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी हैं, और अगली वीडियोस में मैं इनकी बात भी करूँगा। लेकिन कारोबार को शुरू करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को अपने जहन में कंस्ट्रेंट नहीं बनाना चाहिए। सोशल मीडिया और जो बाकी आपको अपने लवाजमात चाहिए कारोबार को शुरू करने के लिए, वो आप तब बनाना शुरू करें जब आपका अपना आइडिया को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वैलिडेट कर चुके हैं और अब आप उसको एक लार्जर मार्केट के लिए लॉन्च करना चाहें। और ये बात भी मैंने जो पहले वीडियोस हैं उसके अंदर तफसील के साथ की है। तो अपने आप को इसमें ज़ाया करने की बजाय कि आप हर चीज़ में बेहतरीन खूबसूरती ले आएँ, सोशल मीडिया पेजेस बना लें, अच्छा सा ऑफिस बना लें और सारी चीज़ें बना लें, उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और यही मेरा आखिरी पॉइंट है, 10वां पॉइंट, कि अपने कारोबार को शुरू कीजिए। ये पहली बात भी थी और ये आखिरी बात भी है कि अपने कारोबार को शुरू करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको इन सारी वीडियो में बताई वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं दोबारा इस बात को स्ट्रेस करूंगा कि जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने असल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं या आपका कारोबार कितना ज़्यादा बढ़ सकता है।